जिमनी इलेक्शन का दंगल, 21 नशिस्तों पर इंतखाब, पोलिंग का वक्त खत्म होने में सिर्फ एक घंटा बाकी, कहीं चहल पहल तो कहीं पोलिंग सुस्त रवि का शिकार। कौमी असेंबली के 5 हलकों में 47 उम्मीदवार आमने सामने, 16 सूबाई हलकों में 191 उम्मीदवार मध्य मुकाबल। बलूचिस्तान असेंबली के हलके PB50 में रिपोलिंग, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम, पुलिस सिविल आर्म्ड फोर्सेस के अलावा फौजी दस्ते भी अलर्ट। लाहौर, गुजरात और शेखपुरा समेत पंजाब के 13 शहरों में मोबाइल फोन सर्विस आरजी तौर पर मुअत्तल। जिमन इलेक्शन में कहीं तू तुकार तो कहीं मार धाड़, जफरवाल में डंडे चल गए, PTI और मुस्लिम नून के कारकुनान में झगड़ा, लीगी कारकुन जांबहाक फिरोजवाला में भी मारकुटाई और फायरिंग, 3 अफराद जख्मी, पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। NA 119 लाहौर में भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और मुस्लिम नून के कारकुनान में लड़ाई, 4 अफराद जेर हिरासत। NA 132 कसूर में पोलिंग स्टेशन, खुड़िया खास में वोटर्स गुत्थम गुत्था, सादिकाबाद में भी सियासी कारकुन लड़ पड़े। किसी सूरत गुंडागर्दी और तशद्दुद की सियासत बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुलजमान को जल्द कटहरे में खड़ा करेंगे। अहसन इकबाल की जांबहक लीगी कारकुन के अहले खाना से मुलाकात, इजहार ताजियत। अजमा बुखारी बोली, तहरीक इंसाफ ने हिस्ब रिवायत अपनी गुंडागर्दी का मुजाहरा किया, ये हमेशा धांधली से जीते थे, अब सहूलतकारी मुयस्सर नहीं तो कत्लो गारत गिरे पर उतर आए, इन्होंने नतायज आने से पहले रोना धोना शुरू कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग के तमाम उम्मीदवार वाज़े अक्सरियत से कामयाब होंगे, वज़ीर आला मरियम नवाज को यकीन, कहा चंद दिनों में पंजाब के अवाम को रिलीफ, रिलीफ और सिर्फ रिलीफ दिया। 130 अरब का किसान पैकेज, नवाज शरीफ के ज़राअत दोस्त विजन का आकाश है, जल्द पंजाब में लैपटॉप्स आईपैड स्कीम भी मुतारिफ कराने जा रहे हैं। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान का शेड्यूल जारी, इब्राहिम रईसी 3 रोजा दौरे पर कल पाकिस्तान आएंगे, सदर मुमलिकत, वजीर आजम और अहम शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल, आम इंतखाबात के बाद किसी भी सरबराह मुमलिकत का पाकिस्तान का ये पहला दौरा होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 आज होगा, दूसरे T20 में शाहीनों ने कीवीज को 7 विकेटों से हरा दिया, शानदार परफॉर्मेंस पर ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों के लिए इनामात, शाहीन अफरीदी को बेहतरीन फील्डर और मोहम्मद आमिर को इंपैक्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया।